पश्चिमी विक्षोभ में बने सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण किसानों के फसलों में भारी नुकसान हुआ है। मंदसौर में अफीम की फसलें नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गई हैं, जिसके कारण नाराज किसान अब सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मंदसौर सहित आसपास क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। सबसे अधिक नुकसान मंत्री हरदीप सिंह डंग के विधानसभा क्षेत्र सुवासरा सीतामऊ में देखने को मिल रहा है। यह आलम यह है कि रात को ओले गिरने के 15 घंटे बाद भी ओले खेतों में पड़े हुए हैं। किसानों के अनुसार तेज ओलावृष्टि के चलते मुख्यतः अफीम की फसल में नुकसान हुआ है, जिसके चलते नाराज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सीतामऊ क्षेत्र में सेंद्रा खजूरी रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है और सरकार से जल्द सर्वे शुरू कर मुआवजा देने की मांग की है। इस पर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किसानों से फोन पर चर्चा करने के बाद मंदसौर कलेक्टर को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल किसान जाम खोलने को राजी नहीं है। मंदसौर डीएम के अनुसार उन्होंने पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को ओलावृष्टि से प्रभावित हुए गांवों में सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम का कहना है कि किसानों को समझना चाहिए कि ये देवीय आपदा है, किसानों को सब्र रखना चाहिए। हमने टीमें सर्वे के लिए भेज दी हैं। जो वर्षा हुई थी उसके संबंध में हमारा सर्वे हो गया था और कल रात के पहले वाला जो बारिश हुआ है उसमें कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था। उसके संबंध में जो जानकारी वगैरह थी वो हमने एकत्रित कर ली थी। अभी जो रात में बारिश हुई है उसके संबंध में कई जगह ओलावृष्टि, विशेष रूप से सीतामऊ, सुवासरा, संजीत और मंदसौर में 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने सारे राजस्व अधिकारियों को कह दिया है कि तुरंत फील्ड में जाएं और उन गांवों की पहचान करें जहां ज़्यादा फसल क्षति हुई है, जहां हमको RBC 6-4 के अंतर्गत सहायता राशि देनी पड़ेगी। तो आज शाम तक सर्वे टीम गठित हो जाएगी और जिन गांवों में ज़्यादा फसल क्षति है जहां मुआवजा दिया जाना है वहां कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रात को अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई तो किसानों को भी समझना चाहिए कि ये दैवीय आपदा है और सुबह से चूंकि 8 बजे से टीम ने काम करना शुरू कर दिया है तो वो कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जहां फसल क्षति होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं और खुद डंग साहब ने भी रात में 2 बार फ़ोन पे बात की, सुबह बातचीत की, तो सब लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। जो भी मुआवजा वगैरह जो होगा वो तो सर्वे और नियम प्रक्रिया के तहत होगा ही। तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें, जहां फसल का नुकसान है वहां जरूर हम ध्यान रखेंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रशासन किसानों को मुआवजा देगा या फिर ये बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मंदसौर से प्रीत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।